हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। फिर आज की वीडियो में मैं आप सबको बना के दिखाने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक लाइटर, जो कि आपको बहुत ही आसानी में बन जाएगा और वो बहुत चीप प्राइसों में बन जाएगा। तो गाइस, इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक का पीस ले लिया और यहाँ पर मैंने दो स्क्रूस लगा लिया और नाइक्रोम वायर चाहिए होगी, जो कि आपको हीटर में मिल जाएगी। हीटर की कॉइल अगर वो जल जाती है वो भी आपके काम आ जाएगी, नहीं तो आप नहीं भी ले सकते हो। 15 से 30 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी कोई भी दुकान से, तो आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक स्विच और एक बैटरी और एक वायर्स। ये वायर्स यूज़ करने वाला मैं, थोड़ी हैवी वायर्स आपको यूज़ करनी है, इस टाइप की वायर्स आपको यूज़ करनी है, हैवी वायर्स। और यहाँ पे मैं एक स्विच देख ले रहा हूँ, SPST स्विच, ये आपको 5 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं पुरानी मोबाइल की बैटरी ले रहा हूँ, जो कि आपको 30 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और गाइस, सबसे पहले हमें वायर्स को इस टाइप से लगा लेना है। यहाँ पे दोनों वायर्स को मैं यहाँ पे लगा लूँगा। और गाइस, वायर्स को लगाने के बाद आपको यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर देना है एक वायर के साथ। यहाँ पे मैं स्विच कनेक्ट करके यहाँ पे चिपका लूँगा साइड पे। तो मैंने एक वायर को तो कनेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पे मैं स्विच भी कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ पे साइड पे लगा लूँगा इसको टाइप के हेल्प पे। ऐसे मैं यहाँ पे इसको चिपका लूँगा, यहाँ पे मैंने स्विच भी कनेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पे मैं फैब्रिक के हेल्प से चिपका दूँगा इसको। तो पहले चिपका लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने वो वाला स्विच उतार दिया क्योंकि यार वो अच्छे से चिपक नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला स्विच लगाया। ये भी आपको 5 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो मैंने इसके दूसरे टर्मिनल पर भी एक वायर लगा दिया, जो कि हमारी बैटरी में जाएगी सीधे। ये वाली बैटरी मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। देखिए, आपको मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे 10 रुपये की बैटरी मिल जाएगी, मैंने पुरानी खरीदी है वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया, जैसे आप स्विच ऑन करोगे पावर हमारे सीधे जो हमारे यहाँ पे स्क्रू लगाए हैं वहाँ पे चले जाएगी। तो देख सकते हो अभी कनेक्शन इस टाइप से किए हैं मैंने। तो अभी हम यहाँ पे एक ये वाला मैं फीमेल सॉकेट लगाने वाला हूँ, जो कि चार्जिंग के लिए भी होगा। और अगर आपको इससे कोई भी चीज़ चलानी, जैसे मोटर या LED, आप वो भी चला सकते हो। तो मैं ये वाला सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ, छोटा वाला नहीं करूँगा मैं, ये वाला सॉकेट यूज़ करूँगा। ये आपको पुराने चार्जर में मिल जाएगा ईजिली, अगर आप मार्केट से लेते हो तो ये आपको 5 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो ये मैं इसलिए यूज़ करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी बैटरी से आप कोई भी चीज़ चला भी सकते हो। मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ इसके कनेक्शन कर दिए, बाकी कनेक्शन हटा दिए मैंने। सबसे पहले तो इसकी बैटरी कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे मैं बैटरी को यहाँ पे बैटरी पे इसको फिक्स कर दूँगा, बैटरी पे फिक्स कर दूँगा मैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे फिक्स कर लेते हैं। और गाइस, भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको बैटरी भी फिक्स कर दिया और वायर्स को कुछ इस टाइप से यहाँ पे चिपका दिया मैंने, जिससे वायर यहाँ ज़्यादा हिले डुले ना और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे टूटेगी भी नहीं वायर्स। मैंने इस टाइप से यहाँ पे फिक्स कर दिया। और यहाँ पे इसे पावर दे चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, ये वाली USB केबल का, जो कि मैंने दो को कनेक्ट कर दिया, दोनों मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये चार्ज भी हो जाएगा और अगर आपको कोई भी चीज़ इससे चलानी तो आप ले सकते हो, कोई पुरानी ले सकते हो या इसकी वायर, यहाँ पर मैंने टेपिंग किया वहाँ से आप हटा सकते हो। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको कनेक्शन बताया था, मैंने वैसे इसका कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर मैंने अभी नाइक्रोम वायर नहीं लगाई है, वैसे कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया वायर को, जैसे वायर हिले ना और टूटे ना। मैं भी आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, अभी आप देख सकते हो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तो अभी मैं स्विच को ऑन करूँगा, देख सकते हो वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 2.31 वोल्टेज आ रहा है, 2.31 वोल्टेज आ रहा है। मैंने वैसे ही कनेक्शन किया जैसे मैंने आपको बताया, अलग कनेक्शन नहीं किया मैंने, सीधे जो स्विच से हमारी दूसरे स्क्रू से वायर आ रहे थे वो सीधे मैंने बैटरी में दे दी। यहाँ पे हमारी USB जो मिनी USB पोर्ट है, यहाँ पे सॉकेट लगाया वहाँ पे कनेक्टेड हुई थी। यहाँ पे वोल्टेज अभी आप देख सकते हो, तो बैटरी के भी वोल्टेज आपको दिखा दिया। और यहाँ पे अभी हम नाइक्रोम वायर कनेक्ट कर, कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं किया। और यहाँ इससे मैं चार्ज कर लूँगा, इससे बैटरी अभी थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज करके फिर आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करके, नाइक्रोम वायर को लगा के टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इस टाइप से आप इसे चार्ज कर सकते हो यहाँ पे लगा के। और अगर आपको कोई मोटर वगैरह बैटरी वगैरह चार्ज करनी है तो लगानी है तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हो, तो यहाँ पे वर्क कर जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि बैटरी वर्स में जाए तो आप यहाँ पे डायोड लगा सकते हो IN4007 का। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाइक्रोम वायर को लगा दिया, आप भी इस टाइप से लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी वही नाइक्रोम वायर मैंने लगाई है। आगे से इसको थोड़ा सा मैंने बेंड कर दिया, आप इस टाइप से कर सकते हो। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारी पावर नाइक्रोम वायर में पहुँच जाएगी और वहाँ पर भी हीट करने लगेगी। तो गाइस, चलिए अभी इसे मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। बैटरी को मैंने थोड़ा सा चार्ज किया,
तो अब मैं आपको पेपर से धुला के दिखाता हूँ, तो अभी आप देखने की किस टाइप से वर्क करेगा। तो गाइस अभी आपने देखा कि ये पेपर पे कैसे वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको इसे प्लास्टिक की पन्नी पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक पे भी ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी अगर आप कैंपिंग वगैरह में जाते हो तो आप यहाँ वहाँ पे इसे कैरी कर सकते हो, आपके पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगा और आप इसका स्मोक देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने वर्क कर रहा है। प्लास्टिक हटा देता हूँ अभी मैं, और गर्म होगा अभी ठंडा हो गया तो मैं प्लास्टिक हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और शेयर कर देना वीडियो को।